Hello, hi. This is Akash Hi. Bhatnagar. Bhushan sir, I wanted to ask you, you are working with Karthik in Pati Patni Avo, then in Bhool Bhulaiya 2. So how is it working with Karthik that you have cast him again in one of your movies? That's why he's working again. सोनू के टिटू की स्वीटी भी सोनू के सीट सर भी इतना क्यों काम कर रहे हो सर मेरे साथ तुम चल रहे हो ना आजकल इसलिए कर छक्का मार दिया सर आउट ऑफ बाग नहीं ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर एंड जिस तरीके की इस पिक्चर में किरदार चाहिए था एंड आई थिंक कार्तिक उस पति के किरदार में बहुत अच्छा सूट किया है इसलिए भी कीप ऑन एंड भूल भुलैया इज ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट जो हम लोग साथ में शुरू कर रहे हैं हफ्ते की शुरुआत मीडिया वालों को देते हैं विद फ्रेश न्यू कंटेंट ऑफ पति पत्नी और यो द क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट्स एनीबॉडी कैन आस्क क्वेश्चंस थैंक यू सो मच सर थैंक यू नजीम भाई माइक ले लीजिए अरे आवाज आ रही है उनको अच्छा अच्छा टेलर बहुत इम्प्रेसिव है हम सबको बहुत पसंद आया और वो आपका एक अंदाज जो रहता है जो लुभाता है बहुत अच्छा लगा क्या कार्तिक आपका क्या रिएक्शन था जब आपको इस तरह की फिल्म ऑफर करी गई व्हाट वाज योर रिएक्शन क्या किरदार क्योंकि मैं मुद्दसर की अगर बात करूँ बहुत कामयाब फिल्में दी हैं हैप्पी भाग जाएगी फिर हैप्पी भाग जाएगी जी सर अब मुझे लगता है इसका भी शायद सिक्वल विक्वल बना देंगे द ट्रेलर लुक सो इम्प्रेसिव तो व्हाट वाज द डायरेक्टर ब्रीफ की हाउ यू केम ऑन बोर्ड सर मैं तो झपट के मतलब मैं स्क्रिप्ट जब जिस दिन मैंने सुनी और मैं उसी टाइम ये था कि पति पत्नी और वो का जब मेरे को सुनने में आया था कि ये फिल्म ऐसी बन रही है तभी डिसाइड हो गया था दिमाग में कि ये फिल्म 100% करनी है एंड एंड ऑफ कोर्स मतलब जैसे मुदस्सर सर हैं ये इन्होंने जिस तरीके से इस फिल्म में मेहनत की है और जिस तरीके से ये फिल्म बनाई है आप देख ही रहे हैं ट्रेलर में वो कितना मतलब आपको एक एक जोक पे हंसी आ रही है एंड वी वर गैदरिंग योर रिएक्शंस ऑल्सो तो सब बहुत सिचुएशनल एक कॉमेडी है एंड एंड एक हमेशा से जो भी मैंने भी जो फिल्में जो आप बोल रहे थे उससे पहले की हैं वो हमेशा सिचुएशन पे खेली हुई फिल्म होती हैं एंड विच रिलेट्स मतलब वो सब रिलेटेबिलिटी फैक्टर एक रहता है तो कहीं ना कहीं मतलब एक ये पति पत्नी और वो का टॉपिक भी बहुत रिलेटेबिलिटी है उसमें एंड तो जिस टाइम मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी और इसका आइडिया ही जब मेरे को पता लगा So I just jumped on and I just, you know, grabbed the opportunity. आपकी लाइफ में वो कौन है? भूमि 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 से पूछ रहा हूँ. आपसे पूछ रहा हूँ कार्तिक. सर मेरी लाइफ में वो कौन है? पहले पत्नी कौन है सर? पत्नी तो आपके किस्मत तो बाद में आएगी. वो कौन है? जब वो पहले आएगी. वो पहले आएगा ना? सर बहुत सारी हैं. बहुत सारी हैं ना तुम्हारी. भूषण सर कह रहे हैं बहुत सारी है. भूषण जी सर क्यों माइक लगा सर नहीं मेरी लाइफ में कोई वो नहीं है सर चिंटू त्यागी की लाइफ में वो है अनन्या एंड पत्नी है भूमि और मेरी रियल लाइफ में कोई वो नहीं है सर भूमि और पत्नी भी नहीं है सर हो जाएगी यार आई वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम भूमि In 3 months, you are showing us 3 different sides of yourself. People accepted you so much for Sand Ki Aankh. Now you are doing a different role in Bala, and then Pati Patni Avo is extremely different. So how do you manage to do this? How is difficult is it to get into the skin of each character every time? It is difficult because the earlier two films are extremely different. It's just difficult every time, even for Pati Patni or Wo, because as I said even earlier, I've not seen myself like this on the big screen. You know, in my head and in my real life, I'm always like this. But the audience has not seen me like this. So it was very exciting for me to play Vedika because I was like, okay, a new avatar. And a lot of work goes into it, and it's not my work alone. There's an entire team that works behind creating a character. Where Vedika specifically is concerned, I remember having like long conversations with Juno, Mudassar sir, all of us actually. We would sit and we would talk about what every character's attributes are, you know, what is she. So for me, she is somebody who's always full of oomph, you know. She knows who she is. She's a very confident girl. She knows she has a certain effect on the opposite gender and she's just strong, you know. Ananya, one question. Your first film was also a love triangle. Here also it's a love triangle. So what does that connect with you? I just think I attract love triangles. Everywhere I go, there's a love triangle. So I don't know, yeah, what to do.
मेरा सवाल कार्तिक से है. कार्तिक जी, तुम्हारा चेहरा बहुत मासूमियत भरा है लेकिन रोल तुमको सारे नॉटी नॉटी वाले मिलते हैं. नॉटी नॉटी बॉय. तो इस मासूमियत के साथ ये जो नॉटीनेस है उसको कैसे ब्लेंड करते हो? मतलब मैम, वो रोल मेरे को नॉटी मिलता है, शक्ल मासूम है, तो वो ब्लेंड अपने आप हो जाता है. तो कुछ मैम अंदर से नॉटी है ना, लेकिन तो आसानी से कर लेते. मैं बोलना नहीं चाह रहा था. वो बाहर हाँ मुदस्सर सर लेकर आए हैं स्क्रीन पे सर. बट मैम, बट मतलब वो एक्चुअली में अगर वो किरदार कुछ कर रहा है तो वो आप जैसे फिल्म भी जब देखेंगे तो हमेशा वो कुछ सही ही कर रहा होता है. वो गलत मतलब ऐसा नज़र ऐसा आता है कि वो गलत कर रहा है. चाहे इससे पहले की भी फिल्में मैं बात करूँ, चाहे लुक्का छुपी हो, चाहे सोनू के टिटू की स्वीटी हो, वो अपना इंटेंशन, उसका करेक्ट इंटेंशन हमेशा से रहा है उस कैरेक्टर का. अब वो थोड़ी सी नॉटीनेस हमें हमेशा पसंद आती है जो ट्रैक पे वो जानते हैं उन चीज़ों को अचीव करने के लिए. तो वो एक चीज़ है जो हमेशा कई बार आपके किरदारों में होती है. एंड वो कभी कभी उसमें मज़ा भी आता है, फनी भी लगता है. तो पति पत्नी और वो में भी ऐसे ही है. मुदस्सर जी, ये सवाल किसी ने आपसे पूछा नहीं, इसके अलावा भी पति पत्नी और वो के अलावा भी बीच में एक फिल्म आई थी रंग बिरंगी, जिसमें जो वाइफ का किरदार परवीन बॉबी ने निभाया था, वो काफी प्रोग्रेसिव था. जैसे आपकी आपकी जो पत्नी है उसने काफी बोल्ड बिल्कुल जो ट्रेलर में कहा कि सेक्स पसंद है, तो वो भी काफी बिल्कुल बिल्कुल. तो इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इन तीनों में आपकी जो आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने डिफरेंट? मतलब मैं आपको आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स टू कॉम्प्लीमेंट यू. आपने माशाल्लाह इतना अच्छा सवाल पूछा है. क्योंकि देखिए, रंग बिरंगी क्योंकि आपने देखी है तो आपको याद होगा उस फिल्म का लास्ट डायलॉग जो है वो है उत्पल दत्त घंटी बजा करके कहते हैं बी आर चोपड़ा को पकड़ के लाओ. दैट्स द लास्ट डायलॉग ऑफ द फिल्म. रंग बिरंगी वॉज ऋषिदास वे ऑफ कमेंटिंग ऑन द आइडिया ऑफ पति पत्नी और वो. सी, दिस इज अ वेरी यूनिवर्सल सब्जेक्ट मैम. ये अच्छा, पति पत्नी और वो में वो का जेंडर भी कोई स्पेसिफिक नहीं होता, ना इस बात की कोई जो है बंदिश होती है कि वो कोई शख्स हो. वो एक गैप हो सकता है, वो एक नॉन कम्युनिकेशन हो सकता है, कई सारी चीज़ें होती हैं. तो फिल्म मेकर्स को हमेशा ये टॉपिक जो है अट्रैक्ट करता आया है. तो जब जूनो मेरे पास आए थे, और जाहिर है कि मतलब उन्होंने भी इसके ऊपर खूब विचार किया होगा जब मेरे पास आए थे, जब उन्होंने अपने ही नेगेटिव्स में से इस फिल्म को चुना कि यार पति पत्नी और वो को रिक्रिएट करते हैं, लेट्स सी व्हाट योर टेक इज ऑन दिस. और आप यकीन कीजिए, मैं रंग बिरंगी का उतना ही बड़ा फ़ैन हूँ जितना पति पत्नी और वो का हूँ. तो आप जब ये फिल्म देखिएगा तो आपको दोनों अंश जो हैं इसमें मिलते रहेंगे इस फिल्म में. आई हैव टेकन द कॉमिक पिंच ऑन द आइडिया ऑफ एडल्ट्री एज मच एज आई हैव you know tried to invoke the issue of adultery. Thank you so much. Karthik here. Jeez. Hi. Acha, shaadi family aisa kuch nahi hai zindagi mein. Mujhe aisa lagta hai zindagi mein jis cheez ki khalish reh jati hai shayad insaan usko screen pe pura karne ki koshish karta hai. To meri apni nahi chali to main sochta hu ki screen pe kisi ki to shaadi chal jaye. यार सर सर सर, जिनके पास माइक है उनको उनको सवाल. कार्तिक, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू यू एंड द टीम. बहुत ही फैंटास्टिक ट्रेलर. इट्स अ बिग चैलेंज टू रिक्रिएट सच अ क्लासिक. मेरा सवाल आपसे है कि कहीं ना कहीं हमें वो ग्लिम्स दिखता है, जैसे एक मोनोलॉग जो आपका फेवरेट जो रहा है, मतलब आपके साथ ट्रेडमार्क, कहीं ना कहीं इसमें भी ऐसा लगता है कि शायद आपको कोई मोनोलॉग वाला सीन है, जैसे वो अपार शक्ति वाला देखा था. इज इट ट्रू, कोई ऐसा मोनोलॉग वाला सीन है? पहली बात, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. वो तो आप जब पिक्चर देखेंगे तब आपको ज्यादा बता पाएंगे. बस कुछ ही दिनों में रिलीज भी हो जाएगी, अभी छोटा सा एक्टिविटी हमारा. बट ये हाँ, ये एक चीज हमेशा रही है कि चाहे वो पंचनामा में लास्ट मोनोलॉग किया था मैंने, पंचनामा 2 में, उसके बाद से मतलब जो भी फिल्म आई, सोनू के वक्त भी ये मेरे से बहुत पूछा गया था, क्योंकि हमारी सेम टीम थी पूरी. भूषण जी को चाहिए भी था मोनोलॉग शायद सोनू के. बट इट डिड नंबर्स एंड वी वर रियली हैप्पी. एंड सोनू के बाद इनफैक्ट लुक्का के जब हम लोग ट्रेलर लॉन्च पे आए थे तब भी मुझसे पूछा गया था कि ये मोनोलॉग होगा इसमें कि नहीं. तो वो मोनोलॉग का एक हमेशा रहा है कि किसी ना किसी फिल्म में आएगा. बट इट्स मोर टू डू रैदर देन मी, इट्स मोर टू डू विद द फ्रेंचाइज, विद द फिल्म. एंड
लव रंजन सर, तो वो उनका ज्यादा वो है, लेकिन इस फिल्म में है कि नहीं वो आप एक अलग तरीके से भी शायद है कि नहीं, वो आप देखेंगे जब फिल्म आएगी। Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.